नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्म फलदाता शनिदेव 6 अप्रैल 2024 को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 3 अक्टूबर 2024 तक शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रभावी रहने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु के नक्षत्र में शनि जाने से किन किन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव निर्मित करने वाले हैं, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करके सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, क्या आपके जीवन में इस समयावधि में कई चुनौतियों से आपको राहत मिलेगी, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। शनि का जो परिणाम है, शनि का जो फल देने का तरीका है, उसमें काफी परिवर्तन होता है, क्योंकि इस 2.5 वर्ष की समयावधि में शनिदेव कई मेजर और कई माइनर ग्रहों के साथ गोचर करते हुए युति बनाते हैं। तो शनिदेव जब अन्य ग्रहों के साथ युति बनाते हैं तो भी शनिदेव के फल देने का परिणाम बदलता है, और शनिदेव जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो शनिदेव का जो परिणाम देने का फल है उसमें परिवर्तन होता है। तो शनि गुरु के नक्षत्रों में जाएंगे तो गुरु की एनर्जी को अपने ऊपर अब्जॉर्ब करके अब परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, प्राकृतिक आपदा, सभी प्रकार की नौकरी, विज्ञान का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शनि का प्रभाव होता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति का धन, वैवाहिक जीवन, संतान के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, धार्मिक उन्नति के ऊपर प्रभाव होता है। इन दोनों ग्रहों का जो संबंध है, सम संबंध माना जाता है, यानी दोनों ग्रह सम भाव रखकर अपना परिणाम देते हैं। दोनों ग्रहों की युति सम भाव प्रदान करती है। ऐसे में अब आइए हम आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम निकलकर सामने आ रहा है और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी भी रखनी चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों, देव गुरु आपके वैवाहिक भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं और शनिदेव आपके आयु भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। और शनि वर्तमान में आपके भाग्य भाव पर ही मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। तो 6 अप्रैल 2024 को शनि गुरु के नक्षत्रों में और आपके नवम भाव पर प्रभावी होंगे। तो गुरु का संबंध शनि के साथ इस समयावधि में नवम भाव पर स्थापित होने वाला है। आपके जीवन में कई प्रकार की सफलता इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। देखिए, नवम भाव पर शनि विराजित हैं। शनि की तीसरी नीच दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है, सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है और दशम दृष्टि आपके रोग भाव पर जा रही है। तो सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव करियर को लेकर स्थिरता प्रदान करने वाले हैं। यदि पिछले समय से अधिक मेहनत करने के बावजूद भी आप परिणाम ना के बराबर प्राप्त कर रहे हैं या कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार यदि आपको दबाव का सामना करना पड़ रहा है तो यहां पर करियर के लिए समय शुभ रहने वाला है। गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। शनि और गुरु का संबंध बनेगा। अच्छे पदों की प्राप्ति भी मिथुन राशि वाले जातकों को होने वाली है। नए प्रयासरत जातकों के लिए कर्म क्षेत्र के मामले में नई संभावना बनती हुई नजर आ रही है और व्यापारिक जीवन के सिलसिले से भी ये समय आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। वर्तमान समय में यदि आप मेडिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग, लोहे से जुड़ा हुआ, लकड़ी से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर या टेक्निकल क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं तो यहां पर आपको उच्चतम सफलता मिलने वाली है।
शनि की तीसरी नीच दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही थी, तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में धन अर्जन में काफी कठिनाई हो रही थी और आपका जो धन था वो बचत नहीं हो रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टियों का प्रभाव आपके जीवन में धन का अनावश्यक खर्च निर्मित कर रहा था। तो यहाँ पर आपके जीवन में धन की बचत भी आपके लिए दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ पिछले समय से यदि आपके भाई बहनों के साथ और पारिवारिक वातावरण में काफी नकारात्मकता आप अनुभव कर रहे हैं, तो शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो आपके पराक्रम भाव पर जाने वाली है, यह आपके जीवन में पारिवारिक संतुलन स्थापित करवा सकती है और आपके पारिवारिक जीवन में शुभता देने वाली है। पिछले समय से मिथुन राशि के ऐसे जातक जो कर्जों की वजह से लगातार परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, उसकी वजह है कि शनि की दशम दृष्टि आपके कर्ज भाव और आपके सिक्स हाउस पर जा रही है। तो यहां पर आपके जीवन में गुरु के नक्षत्रों में शनि प्रभावी होंगे, कर्ज मुक्ति के लिए रास्ते आपके जीवन में निकलकर सामने आ सकता है। और यहां पर अविवाहित जातकों के लिए, जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, यदि आप विवाह की कामना लेकर पिछले समय से ही चल रहे हैं, आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव के आने का प्रबल योग इस समयावधि में बनने जा रहा है। शनि गुरु के नक्षत्रों में प्रभावी होंगे तो आपके जीवन में धार्मिकता काफी ज्यादा बढ़ सकती है, यानी आप धर्म कर्म के प्रति काफी ज्यादा संलग्न होकर चलने में समर्थ रहने वाले हैं। और शनि के नवम भाव पर मौजूदगी आपके जीवन में इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्रों के लिए भी शुभता देने वाली है। एजुकेशन फील्ड से यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके जीवन में शिक्षा में तरक्की के अवसरों को भी प्रदान करने जा रहा है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो देवगुरु बृहस्पति जन शुभता को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना, बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखते हैं तो गुरु और शनि दोनों की स्थिति आपके लिए पावरफुल बनने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सभी प्रकार के दुष्प्रभावों को जीवन से समाप्त करने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।